हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की है और वर्ड में हम नया क्या सीखेंगे आइए आपको बताता हूँ। देखिए वर्ड में आज का जो टॉपिक है वो स्ट्राइक थ्रू को लेकर के है। कभी कभी आप लिखते हैं और लिखने के बाद बीच में उस वर्ड के ऊपर से एक सिंगल लाइन जाती है, तो आज उसे ही हम डिस्कस करेंगे और इसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो चलिए ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट के ऊपर आपको स्ट्राइक थ्रू लगाना हो तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले इस पर राइट क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तरीके कई हो सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट पे चले जाइए, फॉन्ट पे जैसे ही जाएंगे आप तो यहाँ आपको दिखेगा स्ट्राइक थ्रू, तो बस इसी पे आप टिक कर दीजिए, बस स्ट्राइक थ्रू लग जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डबल स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाएं। तो फिर वहीं पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से फॉन्ट पे चले जाइए और यहाँ से डबल स्ट्राइक थ्रू लगा लीजिए, तो बस डबल पे क्लिक कर दीजिए और बस ये हो गया काम आपका। तो देखिए यहाँ पर दो बार स्ट्राइक थ्रू लग चुका है, इसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू, तो इसे स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्राइक थ्रू, ठीक है।